काइनेमेटिक्स का ये आठवां वीडियो है, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन पोलर सिस्टम का सातवां वीडियो है। एग्जांपल्स अभी हम और बताएंगे आपको। एग्जांपल नंबर 16, पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला विथ यूनिफॉर्म स्पीड। Show that its angular velocity about the focus S at P at any point P varies inversely as SP whole to the power 3/2. एंगुलर वेलोसिटी मतलब थीटा डॉट अबाउट द फोकस, ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है जिसके कारण हमने यहां पे स्टार लगा दिया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट यानी अबाउट पोल, हम जानते हैं थीटा डॉट होता है अबाउट पोल, लेकिन यहां दिया हुआ अबाउट फोकस, यानी हम पैराबोला का ऐसा इक्वेशन लिखें जिसमें फोकस ही पोल माना जाता हो। तो ये आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट्स जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ई अगर एक से कम है तो ये एलिप्स का इक्वेशन होगा, ई एक से बड़ा है तो हाइपरबोला, ई वन के इक्वल है तो फिर पैराबोला का इक्वेशन होगा। वहीं से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus as pole is L by R equal to 1 plus cos theta, number 1। इससे हम sin theta भी निकालने जा रहे हैं और भी लिख दें आप P आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन इट फ्रॉम वन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है एल बाई आर माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस टू एल बाई आर प्लस वन, वन कैंसिल हो गया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, टू एल बाई आर माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू एल आर माइनस एल स्क्वायर नंबर टू, ये अभी आगे चल के काम आएगा।
इक्वेशन नंबर वन मिट गया है, उसको फिर से एक बार लिख दें, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट माइनस एल बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। माइनस कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट एल आर डॉट इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा डॉट। नंबर टू हो चुका है, थ्री क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहे हैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ पैराबोला विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब इस यूनिफॉर्म स्पीड शब्द को पकड़िए, डेटा को, आइए हम स्पीड निकालें और वो कांस्टेंट है। लेट वी बी द यूनिफॉर्म स्पीड, वी बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पी आर थीटा, देन वेलोसिटी बराबर होगा अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। चूंकि थीटा डॉट हमको निकालना है इसलिए थीटा डॉट बना रहे, आर डॉट की वैल्यू यहां से इसमें रख दीजिए, आर डॉट की वैल्यू रखा जाए। इक्वल्स टू अंडर रेडिकल आर डॉट स्क्वायर यहां से आर टू द पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर भी कॉमन होगा, नीचे एल स्क्वायर भी कॉमन होगा, तो क्या क्या बाहर आएगा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर बाहर आएगा, थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो थीटा डॉट बाहर आएगा, नीचे से एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एल नीचे आएगा। अंडर रेडिकल क्या क्या बचा, आर स्क्वायर हटा दिए हैं तो यहाँ आर स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर हटा दिए हैं थीटा डॉट स्क्वायर हटा दिए हैं ये एल स्क्वायर बचेगा प्लस एल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू अब निकाले थे उसको यहाँ पे रखें, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर बराबर टू एल आर, दिस इज इक्वल टू आर थीटा डॉट अपान एल, और यहाँ से कितना आ गया टू एल आर, जरूर यहाँ बगल में लिख दीजिए बाई टू, एल एल कैंसिल हो गया, ये बहुत सदा हुआ सोल्यूशन की स्टेपिंग है, इधर उधर थोड़ा भी बांकेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट वी इक्वल्स टू एल कैंसिल हो गया टू आर स्क्वायर थीटा डॉट टू आर स्क्वायर थीटा डॉट। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
वी स्क्वायर की वैल्यू जो है ठीक नहीं निकली। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये रूट के अंदर बचेगा ना, यही गड़बड़ कर रहे थे, अब समझ में आ गया। ये रूट के अंदर बचेगा ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर जो यहाँ रखा है 2LR, अब ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया रूट टू इंटू आर टू दी पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एल और इंटू थीटा डॉट। ये रूट टू, ये नीचे आ गया रूट एल, आर और आर पे आधा पावर, डेढ़ पावर हो गया 3/2 और थीटा डॉट। तो थीटा डॉट यहाँ से निकालना, इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट इज इक्वल टू वी अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट टू इंटू वन अपॉन आर टू द पावर 3/2। ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा डॉट इज प्रपोर्शनल टू 1/r^3/2। यही प्रूव करना था, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट द फोकस, अबाउट द फोकस इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एस पी होल टू द पावर 3/2। थोड़ी दूर पर लिख दिए, सिंस एस पी इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस एस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस, और फोकस को ही आपने पोल माना हुआ है ना, तो ऐसे लिख दो फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस जो कि आर के बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस यानी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम पोल, यही तो होता है आर रेडियस वेक्टर। ये था सॉल्यूशन, एक अच्छा क्वेश्चन। एक और देखें इसी तरह से, एग्जाम्पल 17, इफ द कर्व इज द इक्विएंगुलर स्पाइरल, इफ द कर्व इज द इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, एंड इफ द रेडियस वेक्टर टू द पार्टिकल, एंड इफ द रेडियस वेक्टर टू द पार्टिकल हैज कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हैज कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल
the resultant acceleration of the particle makes an angle 2 alpha with the radius vector and is of magnitude v square by r, where v is the speed of the particle, radius vector has constant angular velocity. ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल पढ़ाते समय खूब बढ़िया से बारीकी से समझा दी जाती हैं. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और अगर फिक्स्ड पॉइंट को हम पोल मान लें तो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अबाउट पोल. ये पाथ है किसी भी क्षण पॉइंट यहाँ पे आर थीटा, ये पोल है, इसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पोल थीटा डॉट होता है. अब देखो पार्टिकल मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो बराबर चेंज किस में आएगा, उसके रेडियस वेक्टर में आएगा. पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब रेडियस वेक्टर की पोजीशन बदल रही है. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ को ही कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर. अगला आर्टिकल हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन इंट्रिंसिक सिस्टम. तो वहाँ भी एक एंगुलर वेलोसिटी का टर्म आएगा, उस एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट. क्योंकि पार्टिकल जब मूव करेगा तो एक चीज़ और बदलेगा ना, हर जगह पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट भी चेंज होगा. ये तो टेंजेंट की दिशा बदल रही है ना, तो उसको हम मेज़र करेंगे, उसके रेट को मेज़र करेंगे, उसको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलते हैं. ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट अबाउट पोल, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर. चलो शुरू करें. आर इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा. नंबर वन, आर डॉट डी आर बाई डी टी कितना होगा, ए थीटा कॉट अल्फा का डेरिवेटिव कॉट अल्फा, ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा ज्यों का त्यों, यानी यही कॉट अल्फा ज़्यादा आ गया इसमें है ना, देखो मिला, तो ये हो गया आर कॉट अल्फा, आर कॉट अल्फा. आल्सो आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट कॉट अल्फा, आर डॉट कॉट अल्फा. आर डॉट की ये वैल्यू है, इसमें कॉट अल्फा से गुणा कर दिए तो हो गया आर कॉट स्क्वायर अल्फा. वी दिया हुआ है, वी इज द स्पीड, चलो वी निकालना. वी इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर, माने आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट इज गिवन टू बी कांस्टेंट, थोड़ा डेरिवेटिव में गड़बड़ी हो गई है जल्दीबाजी में. इधर हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सिर्फ, अब
थीटा का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में थीटा डॉट भी लगाना था, तो यहां भी लगा दो थीटा डॉट। और ओमेगा यहीं पे हम इंट्रोड्यूस कर दें, इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉट अल्फा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट इज कांस्टेंट। अब निकालिए आर डबल डॉट इक्वल्स टू आर डॉट ओमेगा कॉट अल्फा। आर डॉट की वैल्यू में, ये आर डॉट की वैल्यू है, उसमें ओमेगा कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। अब वेलोसिटी वी निकाल लें, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल आर डॉट स्क्वायर माने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा implies that v is equal to r omega cosec alpha। अब आइए हम लोग निकालें resultant acceleration। resultant acceleration का magnitude v के रूप में निकालना, इसलिए हमने v निकाला। तो resultant acceleration निकालना है, resultant acceleration radius vector के साथ कितना angle बनाता है वो निकालना है। article पढ़ाते समय angle वेंगल ये सब चर्चा हो चुकी है। अगर एंगल रेडियस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बीटा बनाए तो टेन बीटा बराबर होता है ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो निकालते हैं, लेट स्मॉल एफ बी द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन देन एफ बराबर क्या होगा, अंडर रूट रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर डबल डॉट निकाले बैठे हैं आप आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस आर थीटा डॉट माने ओमेगा, ये गलत है ना, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर ओमेगा। या तो ये अलग अलग निकाल लेते या तो ऐसे ही साथ लेके चल रहे जैसे मन करे वैसे पीट दो। भारी हो जाएगा ना, इक्वल्स टू अंडर रेडिकल आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस ओमेगा कांस्टेंट बाहर कर लिया ओमेगा बाई आर और आर स्क्वायर का डी बाई डी टी होगा टू आर आर डॉट होल स्क्वायर। यहाँ देखो होल स्क्वायर लगाना भूल गए,
अलग अलग निकालते ठीक था ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर फोर और इस पर स्क्वायर। बहुत सावधानी से, नहीं पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और वीडियो मेरा बेकार हो जाएगी। इकट्ठे निकालने चले, इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर फोर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ये आर कैंसिल हो गया तो हो गया फोर स्क्वायर कर दे रहे ना, फोर ओमेगा स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर फोर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर। आर डॉट की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, आर ओमेगा कॉट अल्फा, आर ओमेगा कॉट अल्फा, आर ओमेगा कॉट अल्फा का स्क्वायर। ठीक है भाई, एकदम ठीक है। इसको बाहर निकालिए तो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अंडर रेडिकल कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकाल लिए हैं और ओमेगा टू दी पावर फोर आएगा ना ओमेगा स्क्वायर और ये भी तो ओमेगा स्क्वायर है तो बचेगा फोर कॉट स्क्वायर अल्फा। अब जरा इसको गौर से देखें, मान लो ये ए है, कॉट स्क्वायर अल्फा को तो ए मान लो, वन को बी मान लो, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाई स्कूल स्तर की बात है ये। आर ओमेगा स्क्वायर अंडर रेडिकल कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब v को इंट्रोड्यूस कर दो इसमें, v बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, v कितना आया था भाई r ओमेगा कोसेक अल्फा, v बराबर था r ओमेगा कोसेक अल्फा, इसी में v घुसड़िए इक्वल्स टू कोसेक अल्फा की वैल्यू डाल दें r ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया और ये बराबर आ गया वी स्क्वायर बाई आर, एक रिजल्ट आ गया। अरे राम रे, अब आर ए टी ए अलग से निकालना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर एक साथ, लेट एफ मेक एन एंगल बीटा विद द रेडियस वेक्टर। देन टेन बीटा बराबर हो जाएगा ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब अलग से निकाले होते तो यार फटाफट वैल्यू रख देते। इक्वल्स टू, देखो ये होल स्क्वायर है ना, ये जो आया ये होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर ना करें तो फिर कितना आएगा, ये आएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन, ये भी होल स्क्वायर ना करें तो कितना आएगा, आ
आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये तो पकड़ में आ गया, और नीचे वाला आएगा टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा, यहां से टू आर ओमेगा स्क्वायर, टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट अल्फा, बस पकड़ में आ गया। आप लोग इसको फिर से करिएगा, टी अलग निकाल लेना, आर अलग निकाल लेना, इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन टू कॉट अल्फा, इसको टेन में हम बदल लें, यानी टेन स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर दें, टेन स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू टेन अल्फा, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये वैल्यू उल्टी रख दी है ना, ये फजीहत होती है। टी ए की वैल्यू कितनी बताए थे हम, टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा, टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा, और इधर वाले की वैल्यू कितनी आई थी, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू, ये वैल्यू उल्टी लिख दिए थे ना, इसकी वैल्यू हम नीचे लिख दिए थे इसके ऊपर, टू कॉट अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन, टेन स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये कुछ और नहीं टेन टू अल्फा का फार्मूला है, तो टेन बीटा बराबर टेन टू अल्फा, इसलिए बीटा बराबर टू अल्फा, ये एक रिजल्ट और दिखाना था आपको कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के साथ टू अल्फा एंगल बनाएगा, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर होगा, यहाँ पे निकल गया। थैंक यू, अगले वीडियो में हम दो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स और लेके आएंगे।